तो हेलो यार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ हमारे एक नए दोस्त के साथ जिनका नाम है मीसा, जो कि व्हाट इज दिस टी टी इस ब्लैक टी ब्लैक यस टी जो ब्लैक टी सर्व कर रहे हैं। दिस ब्लैक ब्लैक टी विद क्यूआर कोड यू या सी प्लीज एंड प्लीज पुट ऑन स्टॉप योर वीडियो एंड QR कोड स्कैन, and QR कोड scan scan QR code scan and then you can drink. They want sugar. Yeah, I I want want little bit. So, अभी यहाँ पे इनके घर पे आए हैं और this is the typical life of Russian citizen. Okay. No problem. So you are not using sugar. I am eating sugar too, but I put my fingers in the tea. Okay, no problem. तो for me normal. इनको तो आप जानते ही हैं। With fingers. Yeah, three. इनका नाम है मुगली और इनका एक एक इंसान जिसके बहुत सारे नाम, a man with lot of name, like this. I have many names. Many names. A man with many names. और अभी हम साथ में ब्लैक टी पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। और इनका रूम देख सकते हैं आप, जैसा मैं उदयपुर में जैसा मेरा रूम था, नीचे गद्दा है और बाकी सारे हैंगर पे कपड़े टांग रखे हैं। यू डूइंग योगा और एक्सरसाइज समथिंग? नो, जस्ट पेंटिंग दिस। नो, व्हाट इज दिस? नो, इट्स फॉर ट्रैवलिंग। ओके, फॉर ट्रैवलिंग। ओके, फाइन। हम रशिया में अभी हैं और यहाँ पे मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में हम कॉफ़ी पीने के लिए गए और वहाँ पे एक ही चीज़ बोली गई कि QR कोड दिखाओ। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि बिना QR कोड के एंट्री नहीं दे रहे थे। मेरे पास QR कोड नहीं है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, लेकिन इनके पास है नहीं और ये लगवाना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो फिर कुछ हो नहीं पाया और हम वापस आए, यहाँ आए, और इसलिए यहाँ पे विदाउट QR कोड टी मिल रही है। तो थोड़ा ऐसी कुछ फन बना रहे थे। और अभी मैं हूँ यहाँ पे करीब 20 मिनट और फिर जाऊँगा अपने हॉस्टल। तब तक कुछ बातें बातें करेंगे हम साथ में, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे देखो, सारी दीवारें पेंट की हुई है, आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लैक जो वाइट स्क्रीन लगाई हुई है वो इसलिए है कि ये रात को अपने प्रोजेक्टर से मूवी देखते हैं बढ़िया तरीके से। और भी दिखाता हूँ पेंटिंग्स आपको यहाँ पे जो दीवारों पे इन्होंने करी है। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ जैसे अपन कुछ क्या कह सकते हैं, मुझे याद नहीं उस चीज़ को, पर उस तरह का लग रहा है ये। हर जगह दीवारों पे देखो पेंट किया हुआ है। हाँ, इनके अलग अलग दोस्तों ने अलग अलग चीज़ें करी है, यहाँ पे अपनी कलाकारी दिखाई है दीवारों पे। और हाँ, ये है इनका किचन छोटा सा बस। तो और ये अकेले रहते हैं यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये चीज़, ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? होमूस और वारगान। इन इंडिया दैट इंस्ट्रूमेंट नेम्ड समथिंग डिफरेंट। ओके, होमूस और वारगान। कैन यू प्ले दिस वंस? जस्ट ट्राई टू प्ले। शो हिम, ही इज प्लेइंग। Now, great. You are great. Nice. Playing very nice. I play 1 year on this instrument, but I like it very, very much. It's I don't know much about hippies. What they are doing, hippies? Who is hippie? Hippies. Hippies. They culture in 60s of past century. Okay. 60s, 1960s. They are love to love. Okay. They are love drugs. They are love LSD, marijuana. Oh my God. Yes, they are hate war. They are love peace. They people when America go to Vietnam, they are was in meeting
no war. Oh, say peace, no war. Yeah, I understand. That is hippies of 1960s, last century. Okay. अभी time हो चुका है मेरे जाने का, so अभी मैं जाऊंगा, मैं hostel जाऊंगा. Green tea पी के अच्छा लगा. और अभी मैं अपना bag लेता हूँ, मेरा छाता. और thank you for shooting me. Итак, мы прощаемся с Ураджем. Он сейчас поехал домой. И завтра мы... я, может быть, приду за этим. So early? Yes. Actually, okay. I need to because okay. My hostel will close. Thank you so much. За своим грузом. Bye to all people. Okay. So, is there nearby bus stand? Near bus station. Yes. I can show you. Yes, all my time. देखिए किस तरह की lift है, काफी पुरानी सी. Ну, в общем, мы стоим с Сураджем и ждем теперь автобус. This bus will come again, I think. Maybe he go to us. And Suraj go to his apartment. Hostel. I am living in hostel. I am not so much rich. I am not rich man. I am poor guy. तो मैं मेरे को बस मिल गई finally. काफी देर wait किया मैंने. अब मैं जाऊँगा hostel. यहाँ कभी रात के 10:15 हो रहे हैं. मैं करीब आधे घंटे में हॉस्टल पहुँच जाऊँगा. मेरा हॉस्टल भी बंद हो जाता है 11 बजे, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास.